Hello and welcome back to my channel. So in this session, we are going to talk about the rest of the part of crop production and management, class 8, CBSE, NCERT. So in the previous session, we talked about different types of crops, what are crops. So different types of crops are kharif and rabi. So we know that kharif crops are grown in the rainy season and rabi crops are grown in the winter season. Now apart from this, we need to understand what are the basic practices of these crop production. So why can a paddy not be grown in a winter season? So what are paddies? Rice. So it requires a lot of water. So therefore it has to be grown only in the rainy season where a lot of water is available. Now when there is no rainy season, so it is like a calamity to the farmers. तब किसान क्या करेगा? उसके पास वाटर इरिगेशन की फिर सुविधाएं होनी चाहिए. अगर ये सुविधाएं नहीं है तो उस साल उस सीजन आप राइस ग्रो नहीं कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ एक और बात सोचने की है, क्या होगा अगर और ज्यादा बारिश हो जाएगी? व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ लॉट ऑफ रेन? सो व्हाट विल हैपन टू द पैडी फील्ड? सी, कोई भी चीज हद से ज्यादा या हद से कम हो तो वो नुकसान ही देती है. So in the same way, if there is a lot of rain happening over the paddy field, what will happen? The paddy field will get destroyed. ठीक है, तो वो उसमें ज़्यादा grow नहीं कर पाएगा because all the water molecules will be locked over there and the paddy field will not able to grow further. इसलिए हर एक काम के लिए सही मात्रा में पानी, उसका fertilizer, practices सब आपके proper होनी चाहिए. So let us discuss all these agricultural activities. So cultivation of crops involves several activities which are undertaken by farmer. So सबसे पहले क्या है? आपको field तैयार करना है, soil preparation. So where you are going to lose the field, that is आप उसको खेती से करके, पुराने जमाने में बैल या दूसरे जानवर use किए जाते थे, हल चलाया जाता था ताकि आप मिट्टी को लूज कर सके. उसके बाद आप उसमें बीज बोते हैं, विच इज कॉल्ड सीड सोइंग. नेक्स्ट आप उसमें खाद डालते हैं, सो आइदर यू आर गोइंग टू ऐड द मैन्यूर और द फर्टिलाइजर्स एंड देन द इरिगेशन. इरिगेशन जहाँ पे आपको पानी की सुविधाएं देनी है एंड देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. तो पहले के टाइम पे क्या करते थे, इसको हाथों से ही खेत खेतों में जा जाके, पैदल जा जाके हाथों से उखाड़ा जाता था. वीड्स क्या है? ये एक्चुअली एक तरह के जंगली पेड़ पौधे हैं जो ना चाहते हुए भी आपके खेत में उगाते हैं. नो प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दीज वीड्स? दे टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड द एसेंशियल मिनरल्स वाटर फ्रॉम द सॉइल व्हिच आर सपोज्ड टू बी टेकन बाय योर इंटरेस्टेड प्लांट्स व्हिच यू हैव प्लांटेड. तो इसलिए हमें वीड्स को हटाना बहुत जरूरी होता है बिकॉज दे आर फास्ट ग्रोइंग एंड दे टेक ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. नेक्स्ट क्या है? उसका हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. एंड हर एक चीज का एक अपना टाइम होता है. यू कैन नॉट सो द सीड्स बिफोर द टाइम और आफ्टर द टाइम बिकॉज इट हैज टू बी ऑन प्रॉपर देन इरिगेशन एंड आपका स्टोरेज एंड हार्वेस्टिंग. सो आप हार्वेस्टिंग भी समय से पहले नहीं कर सकते क्योंकि तो वो कच्चा रह जाएगा. बाद में करेंगे तो क्या होगा, वो जितने भी सीड्स होंगे वो आपके खेत में ही गिर जाएंगे, तो आप इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे. सो ऑल दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैज टू बी डन इन अ प्रॉपर टाइम. सो दिस इज द सेम रिप्रेजेंटेशन गिवन. सो फर्स्ट इज द सॉइल प्रिपरेशन. सो पहले के टाइम पे आप बैल और हल यूज किया करते थे. आजकल विद द हेल्प ऑफ मोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फार्मर्स हैव यूज्ड ट्रैक्टर्स एंड इट हैज मेड द लेबर चीप एंड इट ऑल्सो सेव्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. सो आप यहाँ पे ट्रैक्टर यूज करते हैं. यू कैन सी एट द बैक, दिस इज कॉल्ड कल्टिवेटर विच हेल्प्स इन यू नो लूजिंग द सॉइल. देन आप सीड सो करते हैं. आजकल भी हाथों से भी किया जाता है और आजकल कुछ तरह के सीड ड्रिल भी आ रहे हैं जिसमें आप मशीन में ही सीड्स डाल देते हैं एंड वो इक्वल डिस्टेंस पे आपके सो कर देते हैं. देन एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, दिस ऑल्सो आइदर आप हाथ से ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे जो किसान है वो पैडी फील्ड्स में यूरिया ऐड कर रहा है विच इज अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजर. सो विल डिस्कस ऑल दिस इन द कमिंग सेशंस. And then the irrigation, जहाँ पे water supply कर रहे हो, sufficient water supply so that the plants can grow healthy. And then weeding, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग हाथ से ही उसको उखाड़ रहे हैं. And then comes the harvesting. So आज भी कुछ जगहों पे जैसे पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पे कुछ लोग आज भी जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है वो हाथों से कटाई करते हैं गेहूं की, चावल की, जो भी है वहाँ पे खेत. तो बट
if you are sufficient enough, so they use tractor also in order to do the harvesting. And then the storage. So, aap 50-50 kg ke aise sack banate hain and then market mein bechte hain isko, theek hai? So, let's discuss this in detail slowly, slowly. So, the first step is what we are going to discuss right now is soil preparation. It helps to turn the soil and loosen it to allow the roots to penetrate deep into it. तो हमें वहां पे सख्त बंजर जमीन नहीं चाहिए, वहां पे लूज मिट्टी चाहिए, सो दैट जब आप उसमें सीड्स डालें तो क्या होगा, इट विल बी इजी फॉर द रूट्स व्हिच आर जर्मिनेटिंग फ्रॉम द सीड्स टू गो डीप इनसाइड द सॉइल. नाउ सॉइल लूजनिंग आल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल सॉइल माइक्रोब्स, अर्थवर्म्स एक्सेट्रा, विच एनरिच द सॉइल विद ह्यूमस एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. सो दिस इन योर लास्ट ईयर इन योर 7th स्टैंडर्ड यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग. सो इसमें क्या रहता है, बैक्टीरिया एंड अर्थवर्म्स दे एक्चुअली ईट द सॉइल एंड दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंस इज दैट ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू द न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज सप्लाइड बैक टू द सॉइल. तो अभी क्या हो गया है, आपकी मिट्टी पूरी तरह से उपजाऊ हो चुकी है, इट हैज बिकम फर्टाइल, rich in minerals and nutrients. Okay. Now, in addition, dead plants and animals also get decomposed by soil organism. तो ऐसा कभी-कभी क्या होता है, जब आप harvesting करते हैं, तो उसी में कुछ छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े या जो पेड़ रहते हैं, वो वहीं पर decompose हो जाते हैं, and then they become the organic matter, humus, and then जो भी रहता है, वो nutrients, minerals आपके धरती में वापस चले जाते हैं. So in this way, various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil. Now these nutrients are the ones which are being used by the plants. Now turning and loosening of the soil is very important for cultivation of crops, and this is called tilling or ploughing. So either we'll be using the word tilling or ploughing. So okay, so this is also done by using plow. So either it can be made up of wood like this in the figure or it is made up of the iron. So pehle ke time pe hum aisa use karte the jahan pe they use ox and isko hal kaha jata tha. So hindi mein isko hal kehte the aur english mein plow. So if you see over here there is a beam which is held on the neck of the ox. So beam is there and then this is the shaft, plough shaft, which is actually holding your beam and the main ploughshare. So now this ploughshare is there, this one, this portion. ये जो है आप soil के बीच में से डालते हैं. So what happens? जैसे जैसे animals आगे बढ़ते हैं, आपकी मिट्टी उखड़ के आती रहती है. So this is how with this actually you help in the soil loosening. Okay. Nowadays we use the made up of iron. This is also run by machines or it is attached to the tractors. So it has made the work very easy. So in the same way, you have got over here a ploughshare kind of thing. So this goes deep into the soil, and over here, when the machine or the tractor pulls it, so this goes deep into the soil and helps in loosening of the soil. Okay. Let's move on to the next. Okay, so if the soil is very dry, it may need watering before ploughing. तो कभी कभी वो बंजर जैसा हो जाता है, एकदम सूखा पड़ जाता है. So सूखी धरती को खोदना बहुत मुश्किल जाता है. तो इससे पहले क्या करते हैं, किसान अपने खेत में एक बार वाटर डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी गीली हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू डू द टिलिंग. नाउ द प्लॉट फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. सो दिस इज how the crumbs looks like, aise bade bade mitti ke tukde. So this needs to be broken down into small small pieces with the help of the plank. So plank kaise rehte, ek tarah ka sapat wooden shaft jaisa rehta hai, to aap jahan jahan aise mitti rahegi usko wo todta hua jayega. Now the field is leveled for sowing as well as for irrigation purpose. The leveling of soil is done with the help of leveler. Sometimes manure is also added to the soil before tilling. Now, ये decide farmers करते हैं depending on the crop he is interested to grow. So this helps in proper mixing of manure with the soil. So यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से leveler use करके which is attached to the tractor, the field has been leveled properly. Now this field is ready for seed sowing. So before that, let us talk about what are the different tools used to do the ploughing. So first one is the plough, or Hindi mein kehte hain isko hal.
सो इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्स अटैच है. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउशेयर. सो दिस इज वॉट वी वर टॉकिंग अबाउट, प्लाउशेयर विच गोज डीप इन साइड द सॉइल. The main part of the plough is a long log of wood which is called the plough shaft. Now this is the shaft which is jo attach karte hain beam and the plough share ko. So there is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks. One pair of bulls and man can easily operate the plough. So nowadays iron made ploughs are used which are attached to the tractor. So as discussed before, you can see in the previous slide also. So here we were discussing about how initially the farmers were using the plough which was made of wood. Now they use iron. This can be attached to the tractors. So this has made the labor work less and time consuming effort is also less now. Next is the hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and other used for loosening the soil. It has a long rod or wood or iron. A strong broad bent plate of iron is fixed to one of its ends. So here you can see that it's very simple tool. Any single person can handle it. And it's a dheere dheere usko mitti ko level kar sakta hai. Agar beech mein koi weeds grow ho gaye hain, unwanted plants grow ho gaye hain, it can also help in removing those weeds. The third one is the cultivator. So nowadays, na hum hal chala rahe hain, na hum hoe use kar rahe hain, hum kya kar rahe hain? We are using cultivator which is directly attached to the tractor. So agar aapki mitti ready hai, field is ready for seed sowing, then we just use the cultivator which is driven by the tractor. The use of cultivator saves labor and time. So abhi kaise hai, pehle bahut sare kisan ek hi khet mein lag ke miljul ke kaam karte the, ab ye ek bande hi pura usko handle kar sakta hai. So to summarize soil preparation, so the process of preparing the soil ready for the cultivation is done by ploughing or tilling. So these are the different tools which we use. First one is the hoe, plough and cultivator as we have discussed. And we also use leveler in order to make the field level. It becomes easy for the farmers to sow the seeds. Now second step which comes in agriculture practice is the sowing. The sowing is most important part of crop production. Why? Obviously. See, if you don't sow the seeds, you're not going to get any crop. So before sowing, good quality seeds are selected. Farmers prefer to use seeds which give a high yield, of course. Nobody wants to have a low quality seeds because low quality seeds will give you low quality plant and again the low quality seeds. So it is not going to be profitable in the market and it is going to ruin the farmer's life. Now, how do you select a good quality seeds for sowing? So a simple water test, usually the people do is, it's the water test. So here, what they do is, they take a container, okay? In that, they add water. So here water is there, okay, normal water, and to that they add the seeds, okay. Now what will happen? There are going to be few seeds which are going to float on the water and there are few seeds which are going to sink at the bottom and few are there which are going to float. So what do you think, which one is good quality? The seeds which are going to sink are the better. And the which one floats are not good. So not good. So which one is selected? These ones are selected. So they are dried and then further used for the sowing in the field. So I hope this is clear. So let's move on to the next. So what are the different tools for sowing? So first one is the traditional tool jo pehle use karte aaye the. So it is shaped like a funnel. एक तरह का फनल जैसा रहता है तो वो हल में ही अटैच कर देते हैं. तो क्या होगा, जैसे जैसे आपका हल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसमें वो सीड्स डालते रहते हैं एंड देन उसको सो करते रहते हैं. सो दीज सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पास डाउन थ्रू टू और थ्री पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स.
These ends pierce into the soil and place seeds there. तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहां पे seeds आपके सो होते जाएंगे. Now this one is a recent one, like with the help of the technology, it has been, you know, advanced. So यहाँ पे seed drill use करते हैं. So it is used with the help of the tractors. तो आप इसको seed drill, this is called seed drill. It is connected to the tractor and then you start sowing the seeds uniformly at proper distance and depth. तो जैसे जैसे tractor आपका आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो seeds धीरे धीरे at equal distance sow करता जाएगा. Now, it also ensures that seeds get covered the soil after sowing. So, जैसे जैसे seeds sow होता जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी field level होता जा रहे हैं. यानी कि it is getting covered with the soil also. Now, this will prevent the damage caused by the birds. Sowing by using a seedless saves time and labor also. So, usually पहले कैसे होता था, जब आप सिर्फ normally seeds ऐसे डाल देते थे, तो ऊपर से कोई भी birds या पक्षी आके देखेगा, तो वो चुग लेगा. So, आपको नुकसान हो रहा है. So with this technology, it's like you do the sowing of the seeds also and plus covering them with the soil. So what will happen? It is preventing the damage which the birds will cause. So it is doing an appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants. So we also don't want that at the same place so many plants grow, because then it becomes overcrowded and it is not good, because the plants will not be able to grow properly or healthy. So it's always good that at a proper distance you sow the seeds. So this allows plants to get a sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. So in today's class we discuss about what are the different agriculture practices, right? And in that we have discussed about the preparation of soil and how the seed sowing process is done. In the next session we'll do the rest of the practices along with the question answers. Till then, take care, and I hope you understood the topic. If you like the video, please subscribe and hit the bell icon so that you don't miss my updates. And I would also like to share a video with you guys why the standard 8th, 9th and 10th is important, because there are many competitive exams which you should be writing. So soon I'm going to share that video, and I hope you like that and you become more serious about your 8th, 9th and 10th. Thank you for watching.